नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर क्लासेज पे। जी, आज हम बात करेंगे सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, जिनको अक्सर पर्याय के रूप में जीनियस भी कहा जाता है, या जीनियस का पर्याय अक्सर अल्बर्ट आइंस्टीन कहा जाता है। जी हाँ, ये महान तो थे ही, उतने अलग थे सबसे। आईक्यू लेवल सबसे तेज था, दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति में अगर गिना जाता है या नंबर वन किसी को रखा जाता है तो आज भी अल्बर्ट आइंस्टीन है। जी, आज इनके बारे में अपन बात करेंगे, इनके जीवनी के बारे में बात करेंगे, इनकी स्कूल लाइफ के बारे में बात करेंगे, इनके फैमिली के बारे में बात करेंगे, इनके आविष्कारों के बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। जी, अल्बर्ट आइंस्टीन, इनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को उल्मा उदमबर्ग जर्मनी में। 14 मार्च 1879 जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। ये यहूदी परिवार से थे, लेकिन यहूदी परंपराओं को मानते नहीं थे, जातिवाद को मानते नहीं थे, जो कि किसी भी देश का सबसे बड़ा इश्यू रहता है, जातिवाद, उसको ये बिल्कुल मानते नहीं थे। अमेरिका में ने बहुत प्रोटेस्ट भी किया था इसके खिलाफ, सहयोग भी इन्होंने दिया था अमेरिका में। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो इनके पिताजी का नाम था हरमन आइंस्टीन और इनकी माता का नाम था पोलिन आइंस्टीन। हरमन आइंस्टीन जो कि इनके पिताजी थे, वो एक सेल्समैन और इंजीनियर थे, और इनके जन्म के एक ही साल बाद ये म्यूनिक शहर चले गए। ठीक है, और फिर इनके पिताजी हरमन आइंस्टीन और इनके अंकल थे जिनका नाम था जेकब, इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम है इलेक्ट्रोटेक्निक फैब्रिक कंपनी, जो विद्युत के उपकरण बनाती थी, उनको बेचती थी या लाइट से जुड़े कुछ काम करती थी, जो ठीक है, चल भी अच्छी रही थी। लाइट के इक्विपमेंट से उपकरण बनाती थी। और इनका परिवार वैसे ज़्यादा यहूदी परंपराओं में यकीन नहीं रखता था, इसकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन कैथोलिक स्कूल में पढ़ पाए, अपनी शिक्षा को आरंभ कर पाए। स्कूल लाइफ इनकी इतनी अच्छी रही नहीं थी, क्योंकि ये स्कूल इनने काफ़ी समय बाद शुरू किया। कैसे हुआ, ये था कि ये बचपन में मंदबुद्धि थे, मंदबुद्धि थे या हम बच्चों की तुलना में काफ़ी समय बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। और फिर फर्स्ट प्राइमरी की पढ़ाई कैथोलिक स्कूल में की, लेकिन कुछ समय बाद जब 8 साल के हुए तो ये चले गए, मतलब लुटपुर जिम्नेजियम स्कूल में इन्होंने अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई की शुरुआत लुटपुर जिम्नेजियम की, जिसको आज जाना था इन्हीं के नाम, आज अल्बर्ट आइंस्टीन जिम्नेजियम स्कूल रख दिया गया। और अगले कुछ सालों तक ये वहीं रहे और अपनी पढ़ाई करते रहे। फिर ये 16 साल की उम्र में इन्होंने अपनी माध्यमिक के लिए दूसरे स्कूल चुनी, लेकिन क्या हुआ कि 1894 में इनके पिताजी की जो कंपनी थी, जिन्होंने अंकल ने और इन्होंने मिलकर खोली थी, वो चली गई लॉस में, इनको भारी नुकसान हुआ। तो इनको वो कंपनी बेचनी पड़ी, वो कंपनी वे बेच के चले गए इटली में मिलान शहर में, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी में रुके रहे अपनी पढ़ाई को लेके। फिर ये चले गए, इनके पिता चले गए मिलान शहर में और कुछ महीने वहाँ पे रहे, लेकिन कुछ समय बाद फिर ये पाविया शहर चले गए व्यापार की तलाश में। और फिर पाविया अल्बर्ट आइंस्टीन 1895 में मिलने गए इनसे। ठीक है, तो वहाँ भी उन्होंने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल ज्यूरिख में एंट्रेंस एग्जाम दिया, प्रवेश के लिए परीक्षा थी, जिनसे इसको स्कूल में प्रवेश मिल पाए। और हुआ यह कि इन्होंने फिजिक्स और मैथ में अच्छे ग्रेड पाए, लेकिन ज्योग्राफी और इतिहास या अदर सब्जेक्ट में ये फेल हो गए। हाँ जी, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग भी फेल होते हैं, तो फेल होना वैसे भी कुछ गलत नहीं है। तो स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक कॉलेज में इन्होंने एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, लेकिन ये हो गए फेल। फेल हो गए तो उन्होंने बात की प्रिंसिपल से, पॉलिटेक्निक स्कूल के प्रिंसिपल से इन्होंने बात की। तो उन्होंने सलाह दी कि आप दूसरी स्कूल में जाइए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए और अगली बार फिर से आप एग्ज़ाम देना। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और ये चले गए प्रिंस हेडमास्टर की सलाह से, इवन टू अर्गोविन कैंटोनर स्कूल, वहाँ पे ये चले गए, और स्विट्ज़रलैंड में जो है वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे इनके एक फैमिली प्रोफेसर थे, जोसेफ विंटेलर थे इनका नाम था, वहाँ पे ये रहते थे और अपनी स्टडी करते थे। सीनियर हायर एजुकेशन उन्होंने वहाँ पे आरंभ कर दी, और 1895-96 वहाँ पे इन्होंने स्टडी की, और उनकी बेटी मेरी सिंह को प्यार हुए। फिर अगले एग्ज़ाम में पॉलिटेक्निक कॉलेज ज्यूरिख में
इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया, एडमिशन लिया, और उसी साल एक और लेडी आई मिली, और हाँ जी दूसरे जीनियस, ये भी काफ़ी जीनियस थी फिजिक्स में, मेरे हर सब्जेक्ट में ये काफ़ी इंटेलिजेंट थी, इन्हें भी जीनियस कहा गया। क्या हुआ कि जब दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तब उनको टीचर ने एक सवाल पूछा, तो आइंस्टीन उसका जवाब दे नहीं पाए, और इन्होंने अच्छा जवाब दिया। क्या आइंस्टीन में इनसे प्रभावित हुए, उनको लगा कि भाई जीनियस मैं नहीं, और भी यहाँ पे जीनियस है, अल्बर्ट आइंस्टीन इनकी ओर आकर्षित हुए और इनसे दोस्ती हुई, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली, और फिर उन्होंने कर लिया, शादी कर ली इनसे, मिले अमेरिक से, और मिले अमेरिक ने अल्बर्ट आइंस्टीन की लाइफ में बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया। लेकिन इसी के विपरीत अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिले अमेरिक का साथ नहीं दिया। 1903 में इनकी शादी हुई थी, दूसरी शादी भी हुई थी, लेकिन क्या हुआ कि 1990 में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी, मिले अमेरिक की मृत्यु हो गई। ठीक है, थोड़ा अरब कर देता हूँ, मिले अमेरिक की मृत्यु हो गई, तो फिर इनकी दूसरी शादी हुई एल्सा लोएंथल से, जी इनका साथ भी 20 साल करीब 18-20 साल तक इनका साथ रहा, ज़्यादा इनका साथ भी नहीं रहा। लेकिन इनकी शादी के कुछ समय पश्चात इनको मिला, 1921 में मिला नोबेल प्राइज, मिला जी नोबेल प्राइज मिला 1921 में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको मिला था, और फिजिक्स की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं EMC2। जी हाँ, एनर्जी इक्विवेलेंट मास एंड लाइट स्पीड, जिसका मतलब ये, चलो इस सिद्धांत के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इस सिद्धांत का मतलब क्या है। इस सिद्धांत का ये मतलब है कि एनर्जी, यानी किसी भी वस्तु को अगर अपन लाइट की स्पीड से चलाते हैं, लाइट की स्पीड कितनी है, लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज है। इस स्पीड से अगर अपन किसी भी वस्तु या किसी पिंड को चलाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, जो कि आसान नहीं है, या मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक इम्पॉसिबल सा, असंभव सा लगता है। इसलिए कहते हैं कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, एनर्जी को केवल बदला जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का किया जा सकता है, इसीलिए कहते हैं। और इसी से, इसी सिद्धांत से सापेक्षता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया, और इन्हीं के सिद्धांत से लोगों का कल्पना करना ये संभव हुआ कि हम भविष्य में जा सकते हैं। शादी इनकी हो गई थी 1919 में एल्सा लोएंथल से, जिनकी मृत्यु हुई थी 1935 में, इनकी हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम थी, और 1935 में इनको पता चला, और दिसंबर 1936 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आइंस्टीन की कुछ ही समय, कुछ सालों बाद, 15-20 साल बाद, आइंस्टीन के 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टीन की भी मृत्यु हो गई, जिनका दिमाग एक महाशय ने बिना घर वालों की परमिशन से निकाल लिया था, जिस महाशय का नाम था थॉमस हार्वे। वो इनके दिमाग पे रिसर्च करना चाहते और चाहते थे कि वास्तव में इनका दिमाग इतना तेज क्यों था, आम इंसान से इनका आईक्यू इतना तेज क्यों था। तो इन्होंने पाया कि उनके दिमाग में एक आम मनुष्य से ज़्यादा सेल थी। जी हाँ, ये वही बच्चा है जिसने सबसे बाद में बोलना सीखा, ये वही बच्चा है जिसके दिमाग पे इसलिए खोज क्यों की गई कि वो बच्चा तेज था क्यों, जिनके 200 से अधिक 200-250 के पास इनके सैंपल दिमाग के लिए गए, अलग अलग वैज्ञानिकों, अलग अलग संस्थानों में शोध के लिए भेजे गए, और ये परमिशन फिर आखिर दी इनके लड़के हंस ने, इस चीज़ के बारे में 1905 में परमिशन ग्रांट की, तब ये जाके शोध कर पाए। और ये इनके जीवनी के बारे में कुछ बातें थी जो अपन ने आज की। आशा करता हूँ आप सब ठीक हैं, स्टडी अपनी कंटिन्यू रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।